अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, मेरा जो डिवाइस है वो रूटेड नहीं है, सेफ्टी नेट बिल्कुल पास है। अभी मैं आपको रूट करके दिखाऊंगा और आपको एक चीज़ बता दूं कि मैजिस का जो 26.1 स्टेबल वर्जन फाइनली रिलीज़ हो चुका है, उसे इंस्टॉल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक नॉर्मल यूज़र के लिए। इसका बीटा वर्जन जो मैजिस 26 है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं चेकआउट किया आप उसे कर सकते हैं। इस वीडियो में उसके साथ एडिशनली आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप सेफ्टी नेट को भी फिक्स कर सकते हैं और स्टेबल मैजिस 26.1 कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये दो फाइल्स, दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए। ऑफकोर्स आपके डिवाइस का जो बूट लोडर है वो अनलॉक्ड होना चाहिए, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, अगर वो सब है तो गो फॉर इट। आपको सबसे पहले बूट इमेज को बैकअप करना है, जो आपने अभी देखा मैंने किया, अगर वो नहीं है तो फिर काम नहीं करेगा। वो ज़रूरी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो आप बूट इमेज को रीस्टोर कर सकते हैं, दैट्स कंपलसरी, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा, आप उसे बैकअप कर लेंगे तो। और फिर आपको इस मैजिस 26.1 APK है, APK को ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी चीज़ के, वो इंस्टॉल हो जाएगा। आपने देखा मैंने उसे इंस्टॉल करा, हम चलते हैं फाइल मैनेजर में इंटरनल स्टोरेज में, यहाँ से जाकर आप उस APK को इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसे आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से करेंगे तो डाउनलोड करेगा। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, कम है, तो आप देखें अपडेट का ऑप्शन मेरे को देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है लेकिन वो स्टब होगा, आपको इसका प्रॉपर APK इंस्टॉल करना है। आप करेंगे उसके बाद आपको इस तरह से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिक्वायर्स एडिशनल सेटअप। इस पे क्या करना है आपको, इस पे आपको ओके क्लिक करना है, बिकॉज ये पहले नहीं आता था लेकिन अभी वाले वर्जन में ये चीज देखने को मिल रही है आपको। तो आपको करना है क्या, आपको डायरेक्ट इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कर देगा और बहुत ही क्विकली ये सब चीज़ें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने डिवाइस को एक बार के लिए आप रीस्टार्ट कर लेंगे, तब आप मैजिस को ओपन करेंगे एंड डन, आपका जो डिवाइस है वो रूटेड हो चुका है। आप देख सकते हैं 26.1 मैजिस इंस्टॉल हो गया, लेटेस्ट वर्जन है। और जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो जब आप अपने डिवाइस में सेफ्टी नेट को चेक करेंगे ना, तो मैं एक बार अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फेल हो जाता है जब भी आप अपने डिवाइस को रूट करते हैं, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। मैं इसे कस्टम रोम में टेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप किसी एंड्रॉयड डिवाइस में किसी और में यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ओपन करते हैं, आप देखिए फेल, CTS फेल, यानी कि अगर मैं बैंकिंग ऐप्स यूज़ करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। सो अब मुझे करना क्या, अब मुझे एक फिक्स को फ्लैश करना है। सबसे पहले सेटिंग्स में चलने के बाद चाहे जिसको इनेबल करना पड़ेगा, वो आपने कर लिया, उसके बाद आप चलेंगे, आपको इस फाइल को इंस्टॉल करना है जिसमें आपको ये कंफर्मेशन भी मांगेगा, क्योंकि आप लेटेस्ट मैजिस वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपसे ये कंफर्मेशन मांगता है, वो सब कर देंगे, डन। सिंपली आप अपने डिवाइस को एक बार के लिए रीबूट कर लीजिए, रीस्टार्ट कर लीजिए, उसके बाद आपके इस डिवाइस में ये सब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक कस्टम रोम के यूज़र हैं तो ये डायरेक्टली गाइड आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप कस्टम रोम के यूज़र नहीं है, स्टॉक रोम यूज़ कर रहे हैं, डिफॉल्ट आपके डिवाइस वाला जो रोम है वही यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बूट लोडर अनलॉक करना है, वो आपको पता होना चाहिए, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल है, उसके बाद ही ये सब स्टेप्स फॉलो होंगे। तो सबसे पहले आप वो सब स्टेप्स कीजिए, उसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड वेरी ईजी। अब एक बार फिर से मैं अपने डिवाइस का इंटरनेट एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे मेरे डिवाइस में, अगर मैं चलूँ अपने इस ऐप में, तो आप देख सकते हैं सेफ्टी नेट पास हो चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्टेटस बार में टाइम देख सकते हैं, आप इसे फेक नहीं बोल सकते, टाइम से आपको आइडिया हो जाएगा बिल्कुल सही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये सिंपल सी गाइड थी, यही सब चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक दूसरे ऐप में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर, दिस इज इट। तो बस ये सब था आज की इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, गुड बाय।